अब रास्ता कितना ही खतरनाक है। नाश्ता हुआ हमारा बंदर, आज जा रहे हैं निदान फॉल। दोस्तों अगर आपको बरसात के दिनों में नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आपको बता दें कि निदान फॉल जाने के दो मार्ग हैं। अगर आप जबलपुर से जाते हैं तो ये आपको लगभग 40 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप दमोह से आते हैं तो ये लगभग आपको 70 किलोमीटर पड़ेगा। तो आइए दोस्तों रास्ते के मजे में और चार चांद लगाते हैं। वेलकम मेरे प्यारे भाई लोग, आज जा रहे हैं निदान फॉल। निदान भाई, एक्चुअली हम ब्लॉगिंग नहीं करते पर बना ली रहे। बहुत ही शानदार नजारा है यहाँ का। आप पीछे देख रहे हैं, ये हिरन नदी है जो कि सेहोरा रोड पे मिलती है। उसके आगे यहाँ से ये पाटन की ओर जा रही है और वो दूर पहाड़ देख रहे हैं। हमें उन पहाड़ों के बीच में जाना है और पहाड़ों के बीच में हमारा निदान फॉल है, जहाँ जाके हम लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले और आपको दिखाने वाले यहाँ का बहुत ही नजारा बहुत ही अच्छा नजारा मिलने वाला है आपको। वीडियो में एंड तक बने रहिए। और ये देख रहे हैं, ये नाश्ता हुआ हमारा बंदर और पीछे ये लम्बू। ये देखिए हमें ब्लॉगिंग के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। ये देखिए सामने बैठे हुए हैं, शॉट लेने के लिए बस बैठे हुए हैं कि इस रोड पे हमें एक अच्छा सा शॉट मिल जाए जो कि हम आपको दिखा पाए। ये रोड है जबलपुर से आती हुई और ये जा रही है कटंगी की ओर और हमें वो पहाड़ के बीच में जाना है। कौन सी रोड है नाम के? ये कटंगी से आती हुई रोड है, कटंगी से आगे गोबरा की ओर जाती है और ये बीच में यहाँ पे अपन लेफ्ट मुड़ के ये देख रहे हैं सामने हमें हमारी मंजिल जस्ट सामने वो दिखाई दे रही है। वो फॉल देख रहे हैं, साफ फॉल दिख रहा है यहाँ पे दोनों पहाड़ों के बीच में। और यहाँ का रास्ता बहुत ही कठिन है, आए तो ध्यान रखें कि रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना खतरनाक रास्ता है। एक तो रास्ता पूरा कच्चा है और हमें जाना है बहुत दूर। वो देख रहे हैं आप सामने दो पहाड़ों के बीच में। देखिए आप रास्ता कितना ही खतरनाक है। एक तो पूरा कच्चा रास्ता है और हमें अभी भी बहुत दूर जाना है, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाना है अभी हमें। रास्ता देखिए खाली आप, बहुत ही खतरनाक रास्ता है और मैं आपको कैसे दिखा पा रहा हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। हमारी गाड़ी की सुरक्षा के लिए, जैसा कि आपने पहले पता होगा कि यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती हैं, सुरक्षा के लिए यहाँ हमें पार्किंग में गाड़ी लगाना होगा और उसका शुल्क हमें 50 रुपये देना होगा, जिससे आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, उससे आपकी गाड़ी की कोई भी दुर्घटना नहीं हो पाएगी, कोई कुछ भी सामान कोई तोड़ फोड़ चोरी नहीं हो पाएगी। और हमें अभी जाना है वहाँ, वो देख सकते हैं आप अभी भी थोड़ा दूर है हमारे। और ये देख रहे हैं आप यहाँ पर है ये छोटी निदान, ये छोटी निदान है और ये है बड़ी निदान और हम चल पड़े हैं अपने मंजिल पर। ये देखिए ऐसा रास्ता है और हमें बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा यहाँ पे कि बारिश में ना पत्थर बहुत ज्यादा स्लिप होते हैं। और हम चल पड़े हैं मंजिल की ओर। पहाड़ में अभी चढ़ना है, हमारे साथ भाई भी है विक्रम और अभी और भी लोग हैं, दीपू है, एक और हमारा भाई पीछे रह गया है और मेरे को आप जानते ही होंगे। ग्रीनरी देखिए आप, कितनी सुंदर ग्रीनरी है यहाँ पे। ये जस्ट बाजू में पानी बह रहा हुआ है और पानी के बाजू में ये रास्ते देखिए, रास्ते ये बनाए गए हैं जिससे आप शॉर्टकट रास्ते में पहुंच पाए पानी के पास, जो निदान फॉल कुछ ही दूरी में बचा हुआ है। लगभग हम लोग पहुंच ही गए हैं। रास्ता देखिए कितना कठिन रास्ता है। अभी हम जैसे कि पानी के बीच से निकले थे,
ये देखिए जैसा लग रहा है जैसे किसी ने बताया, ये पर प्रकृति है, देख रहे हैं नेचर है, यहाँ पे अलग ही वाइब है। आइए आप भी एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए ये रास्ता है, अभी हमें ये भी पार करना है, बाजू में ये पानी बह रहा है क्योंकि बाहर तक मिला था हमें। करीब तू हमेशा पास था, के सौ जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा, तेरे हवा के चल दिया जिस्म का, यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है प्रियंका यादव। प्रियंका यादव, और उन्होंने हमें देखते ही पहचान लिया और देख रहे हैं वॉटरफॉल जो कि यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। और आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बस बरसात हो रही है तो और मजा आ रहा है बाकी बहुत। और ये भाई भी है साथ में, ये भी हमारे सब्सक्राइबर है, ये भाई भी सब्सक्राइबर। और दोस्तों फाइनली हम आज के नेदार वाटरफॉल जो भी है।